नमस्कार। फोरम फोर की चुनिंदा खबरों में आज की सबसे बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर, हिंदुत्ववादी नेता ने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए जाफराबाद दोहराने की धमकी दी, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। दूसरी खबर, जाने माने वकील महमूद प्राचा के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी। तीसरी खबर, भारत में किसान आंदोलन पर यूएस में हलचल, विदेश मंत्री माइक पेम्पियो को 7 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। अंतिम खबर, कंगना के बिकनी वाली पोस्ट ट्रोल पर भक्तों के साथ ही भिड़ंत क्यों? अब विस्तार से बात करेंगे इन सभी खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने एक स्वयंभू हिंदुत्ववादी नेता रागिनी तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की है। तिवारी ने एक वीडियो में खुलेआम हिंसा से किसान आंदोलन को खत्म करने की धमकी दी थी। एक वीडियो में तिवारी ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से कहती हूं कि 17 दिसंबर के लिए तैयार हो जाएं। अगर सरकार हमें दिल्ली में किसान आंदोलन से मुक्त नहीं कराएगी तो रागिनी तिवारी एक बार फिर जाफराबाद को अंजाम देगी और जो भी होगा उसके लिए केंद्र, राज्य और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। मालूम हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान इस साल 22 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिससे एक दिन पहले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में अपने समर्थकों से कहा था कि अगर पुलिस CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी तो वह और उनके समर्थक ऐसा करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन के खिलाफ IPC की धारा 153 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देने के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस आने वाले दिनों में तिवारी को तलब करेगी, जो कि फिलहाल शहर से बाहर हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में उनकी भूमिका की जांच करने की भी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले उत्तर पूर्वी जिला पुलिस द्वारा कानूनी राय मांगी गई थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उपायुक्त ने उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया और ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इशारा किया था कि तिवारी का वीडियो इस बात की स्वीकार्यता है कि दिल्ली दंगे को दक्षिण पंथियों द्वारा अंजाम दिया गया था। द वायर लिखता है कि आश्चर्य की बात है कि तिवारी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने और हिंसा का माहौल बनाने के लिए पुलिस को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में इतना समय लगा, जबकि कपिल मिश्रा अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी की है। स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद की। स्पेशल सेल की टीम ने अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद प्राचा के ऑफिस में रेड की। इस पर फेसबुक वाल पर श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि महमूद प्राचा दिल्ली दंगों के पीड़ितों रहे नागरिकों के वकील रहे हैं। बीते कल दिल्ली पुलिस ने उनके घर रेड मारी। दिल्ली पुलिस 15 घंटे तक प्राचा के घर को खंगालती रही, बाथरूम तक खंगाले गए और अंत में इनके कंप्यूटर और लैपटॉप को सीज कर ले गई। जबकि प्राचा बार बार पुलिस से कहते रहे कि आप मेरे घर की जांच कर लीजिए, मेरे कंप्यूटर को चेक कर लीजिए, पर आप मेरा कंप्यूटर सिस्टम सीज नहीं कर सकते, ये कोर्ट आर्डर का उल्लंघन है और मेरी प्राइवेसी का भी। कानून के हिसाब से ही जो सबूत पीड़ितों ने एक वकील को दिए हैं उनकी एक्सेस कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचा कहते रहे कि आप मेरी सभी फाइल्स चेक कर लीजिए, घर का एक एक कोना चेक कर लीजिए, लैपटॉप चेक कर लीजिए, लेकिन मैं लैपटॉप और फाइल्स आपको सीज नहीं करने दूंगा, जिससे दंगों के आरोपियों के खिलाफ सबूत हैं, वीडियोज हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानी। सबको पता है दिल्ली दंगे किसकी सह पर हुए, किन लोगों की देखरेख में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, जिनमें की अधिकतर मुस्लिम थे, सबको पता है। श्याम बीरा सिंह आगे लिखते हैं, पीड़ितों के पक्ष में बोलने की सजा आज कई छात्र और एक्टिविस्ट जेलों में अपनी जवानी और बुढ़ापा खर्च करके बिता रहे हैं। अब उन पढ़े लिखे नागरिकों को भी हरास किया जा रहा है जो पीड़ितों के साथ खड़े हैं, ताकि ये लोग भी पीछे हट जाएं। इनकी क्या गारंटी है कि जो सबूत महमूद प्राचा ने पीड़ितों के न्याय के लिए जुटाए होंगे या जिन कागजातों में आरोपियों के खिलाफ सबूत होंगे वे दिल्ली पुलिस द्वारा मिटाए नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने खुलेआम दिल्ली दंगे भड़काए थे उनमें से एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जबकि महमूद प्राचा जैसे वकील जो पीड़ितों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें भी अब सरकारी मशीनरी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये सरकार और उसकी मशीनरी का खुला संदेश है कि जो भी पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होगा उसका यही हश्र होगा? ऐसे फिर कितने ही वकील बचेंगे जो सरकारी मशीनरी के पीड़ित रहे निर्दोष नागरिकों के मामले लड़ने की हिम्मत करेंगे? आखिर दिल्ली पुलिस और सरकार किन लोगों को बचाना चाहती है? महमूद प्राचा के साथ हुई ज्यादती की हम मुखालफत करते हैं।
सात प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक समूह जिसमें भारतीय अमेरिकी महिला सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल हैं, ने विदेश मंत्री माइक पंपियो को पत्र लिखकर अपने भारतीय समकक्ष के साथ भारत में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। भारत ने विदेशी नेताओं और राजनेताओं द्वारा किसानों के विरोध पर की गई टिप्पणियों को अनुचित और अधूरी व गलत सूचना पर आधारित करार दिया है। इसके साथ ही कहा है कि यह मामला एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने कुछ अधूरी सूचनाओं पर आधारित टिप्पणियों को देखा है जो भारत में किसानों से संबंधित है। ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जो कि एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है। अमेरिकी सांसदों ने 23 दिसंबर को माइक पंपियो को लिखे अपने पत्र में कहा है कि आंदोलन पंजाब से जुड़े सिख अमेरिकियों के लिए एक विशेष रूप से चिंता का विषय है। इसके साथ ही यह अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित भारतीय अमेरिकियों को भी काफी प्रभावित करता है। सांसदों के समूह ने लिखा है कि कई भारतीय अमेरिकी इससे सीधे प्रभावित होते हैं क्योंकि पंजाब उनकी पैतृक भूमि है और उनके परिवार के सदस्य वहां रहते हैं। ये भारत में अपने परिवारों की भलाई के लिए चिंतित है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हम आपसे संयुक्त राज्य को सुदृढ़ करने के लिए विदेश में राजनीतिक भाषण की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता के लिए अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करने का आग्रह करते हैं। आपको मालूम हो कि 4 हफ्ते से अधिक हो गए हैं और सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली के अलग अलग चारों तरफ से जितने भी बॉर्डर हैं उन पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि बिल वापसी की मांग करते रहे हैं। अब अंतिम खबर की बात करते हैं। कंगना ने बिकनी में फोटो पोस्ट की, फिर ट्रोल करने वाले भक्तों पर भयंकर भिड़ गई। हाँ, फिर से कंगना रनौत खबरों में है। कंट्रोवर्सीज कई हैं, किसानों को लेकर के भी हैं। अब उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसको लेकर के उन्हें ट्रोल किया गया है और उसके बाद कंगना रनौत खुद अपने भक्तों के साथ भिड़ गईं। पहले बात करते हैं कि फोटो में क्या लिखा है कंगना ने लिखा है, मैक्सिको मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग जगह रही है। जगह सुंदर है लेकिन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। यह फोटो मैक्सिको के टुलूम से है। कंगना ने यह फोटो 2 दिन पहले शेयर की और उस पर दिनभर ट्रोल हुई। लोगों ने कंगना की इस फोटो को पसंद किया मगर नाराजगी जाहिर करने वालों की संख्या भी ज्यादा रही। लोग कंगना को उनकी संस्कृति याद दिलाने लगे। कुछ ने कहा कि कंगना लगातार देश की संस्कृति की बात करती हैं तो उन्हें बिकनी में फोटो नहीं शेयर करने चाहिए। एक यूजर ने लिखा, मैडम आपकी छवि पूरे देश में एक धार्मिक, अच्छे धार्मिक, देशभक्त और संस्कारित अभिनेत्री की है। इस प्रकार के चित्र ट्वीट करना आपको शोभा नहीं देता। आज के युवा आपको रोल मॉडल मानते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप तो इस प्रकार के चित्र शेयर ना करें वरना दूसरे एक्टर और आप में क्या अंतर रहेगा। एक यूजर ने लिखा, थोड़ी सी भी शर्म मची है तो कर लो कंगना, आपकी वजह से हम राष्ट्रवादी लोगों को जलील होना पड़ रहा है। अदनंगा होकर इस तरह फोटोशूट करना फिर उसे पब्लिक में ट्वीट करना क्या आप जैसी लेडी को शोभा देता है? जो राष्ट्रवादी बहनें आपको आइडियल मानकर आपको फॉलो करती हैं उन तक क्या जाएगा? इन सभी ट्वीट्स पर कंगना भड़क गई। उन्होंने फिर से एक फोटो शेयर की और अपने ट्रोल्स को जवाब दिया, हालांकि उसमें वो भी भाषा की मर्यादा भूल गई। कंगना ने ट्वीट में लिखा, कुछ लोग मेरी बिकनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी भी माँ भैरवी बाल खोल वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो स्टार टह जाएगी और खुद को भक्त कहते हो। धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। अब कंगना की इस फोटो पर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कोई उनकी भाषा पर कमेंट कर रहा है तो कोई कंगना को ही धर्म का ठेकेदार बता रहा है। खैर, कंगना इससे पहले भी किसान आंदोलन के लिए दिए गए बयान को लेकर चर्चा में थी। उसके बाद दिलजीत दोसांझ से भी उनकी ट्विटर पर खूब वार हुई और खूब फेमस हुई। भड़ास फॉर मीडिया के अविनाश ने लिखा है कि हमने जवाब दिया कंगना को, बताया कि कंगना को हिंदू शेरनी बोल रहे हिंदू शेरों की बहनें प्रेरणा लें। हिंदू शेरनी नई रानी लक्ष्मीबाई से ऐसे कपड़े ही नहीं जो दिल करे वो पहने, फिर ट्विटर और फेसबुक पर लगाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आज़ादी तो लोकतंत्र का मूल है, कंगना ने पहली बार ठीक काम किया है। पर कंगना जी तो कंगना ठहरी, खुद को माँ भैरवी बता दिया। इस बार पूछी कि माँ भैरवी तुम्हारे सामने निर्वस्त्र आ जाएं तो धमकाई भी कि धर्म के ठेकेदार ना बनो। बाकी हम फिर बताएं कि वैसे माँ भैरवी की कोई छवि निर्वस्त्र नहीं है, माँ काली की है। वो तो उत्तेजक नहीं है, डरावनी है कि असुरों के मन में डर जगे। बाकी ठीक है, ये मासूम अंधभक्तों के भरम टूटते रहें, हमको सेक्सी सेक्सी तस्वीरें मिलते रहें। हिंदू शेरनी की जय, नई रानी लक्ष्मीबाई की जय।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।